बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म चार्ट में एक ट्रेंड बन रहा है, क्या आपने उसको नोटिस किया? क्या आपको अभी बिटकॉइन खरीदना चाहिए या और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म चार्ट को भी नोटिस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं और आपको बाय या सेल करने के लिए एक रेंज देने वाले हैं। सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोहम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook कम्युनिटी को ज्वाइन करें। Facebook कम्युनिटी में हम बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज के आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और सिग्नल्स भी देते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर हम बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है यहाँ पे और एक ट्रायंगल बन रहा है, बहुत ही बड़ा सा ट्रायंगल जो हमने 2021 के स्टार्ट से बनाना शुरू किया था। और हमारा अभी जो सपोर्ट है वो तकरीबन ये जो हमारा मूविंग एवरेज है 32,177 का, उस पर हम 50 डे मूविंग एवरेज पे अभी हम सपोर्ट की तरह चल रहे हैं। और हमारा दूसरा एक रेजिस्टेंस अगर आप बात करें तो बना हुआ है तकरीबन 34,000 पे। देखिए 34,000 को हमने ब्रेक करने का कई बार कोशिश किया जब से ये हमारा डाउन ट्रेंड आया था 11 जनवरी को, तो कई बार हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला और हम एक बार तो नीचे तकरीबन 28,000 तक भी चले गए थे। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न है। तो इस ट्रायंगल को हम अभी रखते हैं और अभी हम चलते हैं BLX चार्ट। तो ये है हमारा बिटकॉइन का BLX चार्ट जो कि हमको ट्रेंड एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है 2021 और 2017 के चार्ट में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होते ही आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और आप उस ट्रेंड को ज़रूर समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया था ये है पेनेट्स। तो पेनेट हमारा ये जैसे मैंने वीडियो बनाया था 18 जनवरी को, 19 जनवरी को ही हमारा पेनेट ब्रेक हो गया था। तो एक बार हम फिर से चलते हैं 2017 के चार्ट। तो ये हम पहुंच चुके हैं 2017 के अभी चार्ट पे। तो 2017 का जो चार्ट था उस पर हमने अपना जो पहला पेनेट का जो ट्रेंड उस टाइम हमने ब्रेक किया था तकरीबन 6 जुलाई को। तो यहाँ से हम एक मूव को मेजर करते हैं। अगर हम 2800 से तकरीबन 1800 डॉलर तक, ये था हमारा ड्रॉप तकरीबन 31% का। और हम इसको डेज में अगर एनालाइज करें तो ये था हमारा तकरीबन 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली, आप मान के चल सकते हैं 10 से 11 दिन, ये हमने नोटिस कर लिया। तो अब हम चलते हैं आज के चार्ट पे, यानी 2021 के चार्ट पे। तो जैसे मैंने बताया था ये पैटर्न बहुत ही सिमिलर है, तो हम यहाँ से भी एक मूव एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारा पैटर्न ब्रेक हुआ था तकरीबन 19 जनवरी को, तो हम 19 जनवरी के जो हमने जो रेंज अपर रेंज हिट किया था वहाँ से हम 31% तक नीचे चलते हैं। पहले 31% हमारा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 26,000 पकड़ के चल सकते हैं इसको, 26,000 राइट। और इसको अगर हम डेज में काउंट करें तो हमारा वहाँ पे था 10 दिन राइट, तो हम यहाँ पे 10 से 12 दिन का या 14 दिन मान के चल सकते हैं। तो 14 दिन हमारा आ रहा है 2nd of February। तो ये 2nd of February आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और हमने इससे पहले आपको दिखाया था बिटकॉइन का 1 आवर चार्ट जिसमें हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, तो चलिए उस ट्रायंगल को देखते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल को एक्सटेंड करते हैं राइट, और ये मीट हो रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली 2nd और 3rd February को, तो दोस्तों यहाँ पे एक और कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। यानी 2nd और 3rd February को अगर हमने इस लेवल को पहले ही ब्रेक नहीं किया
तो 2 या 3 फरवरी को हमारा मार्केट बॉटम आउट हो सकता है। लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी अपनी राय है और मेरी अपनी एनालिसिस है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च करें और रिसर्च के एक सोर्स की तरह हमारे इस वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च ज़रूर करें। तो अगर हम इस ट्रायंगल को उससे पहले ब्रेक नहीं करते हैं तो फिर हम जो 26,000 का लेवल है वो तकरीबन 2 या 3 फरवरी तक देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उससे पहले ब्रेक किया तो 34,000 पे हमारा एक रेजिस्टेंस है। अगर हमने उसे ब्रेक किया तो हम ये ट्रायंगल भी ब्रेक कर देंगे और ये पैटर्न हो जाएगा ब्रेक। उसके बाद हम नए पैटर्न का फिर से एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, NVT हमारा आपको हमेशा ट्रैक करना है बिटकॉइन का। तो NVT प्रिंट होता है मंडे सुबह 5:30 बजे, वीकली NVT। तो आज है संडे, तो यानी कल आप NVT को ज़रूर ट्रैक करें, क्योंकि NVT, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर वो रेड में है तो मार्केट में अभी दम बाकी है, और अगर वो वाइट में है तो मार्केट से अभी शायद कुछ समय के लिए दम खत्म हो चुका है। ये कोई नहीं आपको 100% बता सकता कि यही मार्केट का टॉप था, ये 42,000 का हमने जो टच किया था, यही मार्केट का टॉप हो सकता है, लेकिन चार्ट्स बता रहे हैं कि शायद नहीं। लेकिन चार्ट्स कभी भी 100% सही नहीं होते, राइट? चार्ट को हम एनालाइज करते हैं, चार्ट हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बनता है और हिस्टोरिकल डेटा कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो NVT आप ज़रूर ट्रैक करें और NVT आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसके साथ हम अभी चलते हैं फियर एंड ग्रिड इंडेक्स को एक बार देख लेते हैं। तो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स पे अभी हम आ चुके हैं, और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 86 का हमने बहुत ही अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर बना के रखा था, ये देखिए 86 का, और हमने इसे एक बार ब्रेक किया था 13 जनवरी को, फिर हमने पाने की कोशिश की 15 को, लेकिन हमें मिला रिजेक्शन, और उसके बाद जो डाउनफॉल आया था 22 जनवरी को, उसके बाद हम 40 तक पहुँच गए थे। फियर और ग्रीड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि 100 यानी सबसे ज़्यादा ग्रीड, यानी लोग लालच में है बिटकॉइन खरीदने का, और अगर हम नीचे आते हैं 0 के तरफ, यानी फियर होता है वो, फियर यानी लोग डरे हुए हैं बिटकॉइन में, तो ये एक मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर का अच्छा आइडिया देता है। तो अभी हम देखते हैं 1 ईयर का, अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बेहतरीन तरीके से 6 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक बेहतरीन मार्केट स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन 10 तारीख को हमको जो सेल ऑफ मिला था उस पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 86 का, और हम नीचे आ गए थे, और फिर से हमने 15 को पाने की कोशिश किया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और हमें मिला रिजेक्शन। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा खबर नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में आपको किस रेंज में खरीदना चाहिए, या फिर अभी आपको शॉर्ट करके चलना चाहिए या आपको लॉन्ग करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से, अगेन मैं ये रिपीट करता हूँ कि ये मेरी पर्सनल राय है, आपको अभी थोड़े दिन इंतज़ार करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से बिटकॉइन तकरीबन 25,000 या 26,000 डॉलर के लो को छूने वाला है, और बहुत जल्द। ये हमारा मार्केट बॉटम आउट नहीं हुआ था, एक और हमें फ्लश मिल सकता है, जो कि आपके लिए खरीदारी का बहुत ही अच्छा मौका होगा। याद रखिए दोस्तों, जो बड़े वेल्स होते हैं बिटकॉइन के, वो हमेशा मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट चलते हैं। मार्केट सेंटीमेंट का मतलब चार्ट्स नहीं, मार्केट सेंटीमेंट यानी लोग क्या कह रहे हैं। डिप आता है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं, तो आपको हमेशा उसके ऑपोजिट चलना है, यानी लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं उस टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप खरीदें, और अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं तो आप उस टाइम बेच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़े दिन होल्ड करना चाहिए, और तकरीबन 25,000 से 26,000 डॉलर का रेंज हम देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। लेकिन ये तो हुआ बेयर मार्केट की बात, अगर हम 34,000 डॉलर का जो ये रेजिस्टेंस काफ़ी दिनों से, देखिए ये सपोर्ट था पहले, राइट, यहाँ से तकरीबन
फिर हमने जो ये सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक किया 21 जनवरी को, वो अब रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर हम $34,000 की लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं और एक डेली चार्ट में एक कैंडल $34,000 के ऊपर कंप्लीट कैंडल बनाते हैं, तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और हमारे अगले वीडियो में हम एक ऐसी इंडिकेटर आपको दिखाने वाले हैं जो आपको खरीदारी और बेचने की बहुत सही प्रेडिक्शन करके दे सकता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करें, क्योंकि यूट्यूब में शायद मैं दो दिन में एक वीडियो दे पाता हूँ, या फिर कोशिश करता हूँ हर दो दिन में एक वीडियो देने का, कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन फेसबुक कम्युनिटी में मैं हमेशा अपनी राय ज़रूर देता हूँ, और हमारे जो दूसरे फेसबुक के लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो भी अपनी राय देते रहते हैं। तो आप ज़रूर 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 हमारे फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया हुआ है, और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मैं जनरली कवर नहीं करता हूं, लेकिन कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप शॉर्ट टर्म कवर कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। तो इस हिसाब से मैंने आज शॉर्ट टर्म का वीडियो बनाया है। तो आप शॉर्ट टर्म में और कौन से कॉइन्स का वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बताएं, ताकि मैं वो वीडियो आपको बनाकर दिखा सकूं। और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है हमारा चैनल, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और हम क्या बेहतर क्या कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो और ज़्यादा पसंद आए। और इसी के साथ साथ एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो, क्योंकि कम से कम आपके साथ आप एक और आदमी को अमीर बनने में हेल्प करें बिटकॉइन के ज़रिए से। तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।